भाई साहब क्या लग रही है वो जो भाई साहब आवाज देख रहे हो बाइक की भाई कितनी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई। एक प्यारी सी आज सुबह संडे है भाई। आज क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। और भाई आज हमारी होने वाली है संडे राइड, और संडे राइड हमें पता नहीं भाई कहाँ पे जा रहे हैं। एक दोस्त है वो ही लेके जा रहा है, देखते हैं कहाँ पे लेके जाएगा, पानीपत तरफ या नोएडा की तरफ, GPR वगैरह। तो भाई अभी सच बताऊं तो टाइम पूरा फिक्स नहीं हुआ है, तो आगे चलते हैं। अभी वे भाई आने वाले हैं, क्योंकि आप सबको बता भाई सबसे पहले उतावला थारा भाई होता राइड पे जाने के लिए, तो भाई वो भाई आ जाएंगे अभी तक। तो फिर चलो चलते, पहले उनका वेट कर लेते हैं बस। चलो भाई। भाई ये मैंने अपनी बाइक यार भाई मैंने परसों वॉश करवाई थी, परसों। तो भाई परसों वॉश कराने के बाद है ना भाई, इस पर ना जो थोड़ा जैसे कि ये रेता लग जाता था, बट भाई मैंने एक सरफ शैम्पू का कपड़ा नहीं होता जो, उससे पूछ दिया। तो भाई अब अच्छी लग रही है नॉर्मली। और भाई अपने हेलमेट के शीशे पे भी करा था, देखो ये थोड़ा सा ये दिख रहा होगा, देखो कुल मिला के अच्छी लग रही है। बट अभी भी भाई आने वाले, तो चलो मिलते हैं अब थोड़ी देर बाद उन भाइयों के आने के बाद। चलो शुरू करते हैं मेरे भाई। बैंचो जी ड्रेस यार बहुत ही गंदी हो रखी है यार, पता नहीं बैंचो बॉस भी कैसी होती, देख रही हो यार तो बहुत धूल जम रही है यार। तो भाई एक भाई तो हमारा आ गया है, देखो भाई वो NS60 वाला, NS है या N160 है जो भी है भाई, बट अभी आ गया तो आ गया। हाँ जी भाई क्या हाल है, और ठीक है ना तू? तो भाई चलो भाई अबे साले जो माफ करना, मैं जो तभी से मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। जब तो भाई अभी चल रहे हैं, चलो वो ना अलग फील आती है यार सच्ची में मेरे भाई, जो कि भाई और स्टेट में है ना भाई राइडिंग का नशा जो कि राइडिंग का होता है, बट भाई वो सोनीपत में इतना नहीं है, और ना ही इतने सोनीपत में कोई राइडर्स हैं इतने। जैसे कि हमें एक दो गांव का भाई, एक ये भाई सेक्टर का है, और भाई मैं भी गांव का ही हूँ, बस अम्मी है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बस 10-15 ही राइडर होंगे भाई सोनीपत में, इससे ज़्यादा नहीं यार। वो भी कभी कभी निकलते हैं, कभी कभी नहीं निकलते, इससे ज़्यादा नहीं है भाई। मैंने तो तेल डलवा लिया था ब्रदर। उस्ताद लुक बहुत तगड़ी लाकर तो बैठे उड़ गया ना। हाँ वाकम है भाई, मेरा मत कतिया खत्म हो रही है दोनों में। इसके साथ ही है। अच्छा कौन सी बात पड़ी भाई, बोलता है कि में तो ड्राइवर बात पड़ता है, खाली में बाइक का पता लगेगा। सच्ची बात है ना, बट जित तक है ना यह बात पड़ेगी। कितनी भागती है यह, मैंने अपने हाथ 127 चढ़ाई भाई मेरे वेट में, वेट का भी तो बहुत 108 किलो यार, बहुत फर्क है बहुत। पर मैं भी अपडेट करूंगा बाइक में जनवरी में, देखते हैं कौन सी हाथ लगेगी। जब ये ले ली ना, तो भाई चलो स्टार्ट करके निकलते हैं। और भाई अभी ना हम जहाँ तक ये भाई मुरथली चलेगा, और भाई ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए तो, बट भाई कोई बात नहीं। पर भाई एक चीज़ बताऊँ, ये ना दोनों डोमिनार और ये बजाज की ना भाई, ये दोनों एक कंपनी की है,
बट भाई जो लुक डोमिनार 400 की है ना भाई, जो नई वाली है उसका एक अलग ही क्रेज है भाई। और भाई जो N160 है, ये इसकी N160 है, देखो भाई पीछे से एक नंबर की लग रही है, लुक बहुत तगड़ी लग रही है भाई। ये भाई बोल रहा है कि मैंने नहीं 135 तक चढ़ा रहा है किसने ये भाई। और भाई 135 देखो थोड़ा नहीं होता है, बहुत होता है मेरे भाई, 135 बहुत होता है। तो भाई चलो एंजॉय करते रहो भाई, लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स कर दिया करो मेरे यारो। हाँ अब सेट हुआ यार कैमरा, यार इसमें ना पता नहीं क्या दिक्कत है भाई, दिखता नहीं है, मतलब कि ऐसे दिखेगा नहीं कि आगे क्या चल रहा है क्या नहीं, दिखता भी नहीं है। और भाई आगे ना दो तीन भाई आने वाले हैं, जो कि एक तो उसके पास हार्ले डेविडसन है भाई, और एक के पास निंजा 300 है जो कि नरेले का है, और जो हार्ले डेविडसन वाला ना भाई वो तमिलनाडु से है भाई, तमिलनाडु भाई समझ रहे हो भाई, बहुत हो जाता है। और भाई बहुत ही तगड़ा शौक है भाई उसको तमिलनाडु से यहाँ तक आ रहा है, बट भाई चलो कोई नहीं, जो भी होगा आगे देखते हैं। तो भाई वीडियो लंबी ना करके चलो सीधा वही मूर्खल ढाबे पे ही मिलते हैं जहाँ पे हमारा मीटअप है। तो भाई चलो चलते हैं, अभी लंबी वीडियो हो जाएगी वरना यारो। तो भाई दोस्तों अभी आ चुके हैं अभी गुलशन ढाबे पे, गुलशन ढाबे पे भाई थोड़ा कुछ खा ले पीने के बाद ही जाके चलते हैं क्या भाई। ओके भाई। तो दोस्तों अभी भाई आए और देखो भाई बाइक सारी आ चुकी है यहाँ पे, तो भाई हमने यहीं पे मीटअप रख लिया और भाई आपको बाइक दिखाते हैं जो कि हार्ले डेविडसन है, जो कि तमिलनाडु की तरफ से भी एक भाई आया हुआ है, तो आपको दिखा दे भाई। ये भाई GT 650 डोमिनार, ये अपने वाली भाई जी। तो आप भाई आए हैं भाई सामने, धरती भी हिल रही है यार। बारह सौ पचास, हाँ बारह सौ पचास है भाई। तो आपको आगे की हेडलाइट दिखा देते हैं, ये देखो भाई देख रहे हो भाई, भाई क्या लग रही है भाई, देखो ये इसका मीटर है भाई, क्या लग रही है हैवी मशीन भाई, ये तमिलनाडु से है भाई। ये देख लो भाई क्या लग रही है भाई, सच्ची में बहुत बदर लग रही है भाई। ये भाई दोस्त भाई ने हमारे यहाँ पे टांग दिया, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं भाई। भाई ये अपनी बाइक निंजा 300 जो भी लेके आएंगे भाई, हाँ भाई क्या लग रही है भाई, निंजा के ब्रांड सब क्या लग रही है वो निंजा 300 यार, GT के मुकाबले भाई।
तो भाई आपको दिख रहे होंगे भाई इतना इंजॉय आ रहा है ना संडे वाली राइड पे ना भाई, जो सुबह सुबह का एक स्वाद आता है। देखो भाई ये दिखाता हूँ आपको, भाई साहब क्या लग रही है वो जो भाई साहब आवाज देख रहे हो बाइक की भाई कितनी दूर। तो भाई ये देखो यार, ये है हार्ले डिवीजन 1250 जो कि इसको भाई हम बोल लेते हैं पैन अमेरिका, जो कि भाई इसकी ना बाइक की कीमत ही 30 लाख रुपए मेरे भाई, इस बाइक की कीमत 30 लाख रुपए भाई साहब थोड़ी है, एक बार सोच के देखो यार 30 लाख रुपए का आदमी क्या नहीं ले सकता। और भाई तमिलनाडु के पास ना भाई पैसा ही ज़्यादा है, ओहे देख क्या लग रही है भाई ये 30 लाख रुपए की बाइक। चलो छोटो भाई कोई बात नहीं, वैसे तो 75 लाख रुपए तक की 1 करोड़ रुपए तक की बाइक आती है, बट भाई ये शौक है ना कुछ भी देखते हैं भाई, पैसा नहीं देखता भाई, बस शौक देखा जाता है आदमी का कैसे किस किस कैसा है स्वभाव कैसा है भाई, पैसा कहाँ पे यूज़ करना है कहाँ नहीं, बट भाई छोटो हमको क्या करना। बट एक चीज़ बताऊँ भाई, लग गदर रही है और बात सकती है। तो दोस्तों टाटा बाय बाय, और भैया आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, मिलते हैं भैया अगले व्लॉग में, और अगला व्लॉग जल्दी आने वाला है क्योंकि भाई वो बाइक के ऊपर होगा मेरे वाली पे, बहुत ही तगड़ा आने वाला जिसमें आपका पूरा मनोरंजन कर दूंगा। तो भाई लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स कर दो मेरे यारों, बाय बाय भाई सभी को, और भाई अच्छे रहो स्वस्थ रहो, और भाई आशा करता हूँ आपकी फैमिली भी बहुत ही अच्छी रहे। तो भाई चलो ठीक है, किसी को दुख पीड़ा ना हो भाई, चलो ठीक है मेरे भाई, बाय टाटा।